स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम है अंशुमन और आप देख रहे हैं लर्न टू ड्राइव। तो आज हम खड़े हैं एक इंडियन SUV के सामने जो कि आपकी टाटा की सफारी। कुछ इस टाइप की इसकी की आती है, आप देख सकते हैं। इसमें आपको सामने टाटा की बैजिंग मिलती है और इधर आपको लॉक अनलॉक और होल्ड करके रखेंगे तो आपका ये हेडलाइट ऑन हो जाएगी और ये आपका बूट अनलॉक करने के लिए। तो पहले मैं इसका एक वॉक अराउंड दे देता हूँ आपको। कुछ ऐसी है आपकी टाटा सफारी। इस बार इसकी पूरी लुक चेंज कर दी गई है। पिछली बारी आपकी 4x4 में आती थी, फोर व्हील ड्राइव में। आपकी ये आपकी फ्रंट व्हील ड्राइव है। इसमें आपको कोई और ऑप्शन नहीं मिलता कि आप इसको फोर व्हील ड्राइव ले सकें या दूसरी कुछ। तो ये आपकी टाटा सफेरा की कुछ वॉक अराउंड। बात करते हैं इसकी डिटेल रिव्यू की। शुरू करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइलिंग को। तो आइए बात करते हैं इसकी फ्रंट की। फ्रंट कुछ ऐसी आपकी दिखती है। बात करते हैं इसकी हेडलाइट यूनिट की। हेडलाइट यूनिट इसकी कुछ इस तरह की आती है। एक आपकी इसमें हेलोजन मिलेगी और यहाँ आपको प्रोजेक्टर मिलेगा हाई बीम लो बीम के साथ। प्रोजेक्टर आपके वाइट में जलते हैं और ये हेलोजन आपके येलो पे जलते हैं, जो कि कॉम्बिनेशन सही बैठता नहीं। अगर दोनों वाइट होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। नीचे आप देख सकते हैं फॉग लाइट आती है आपको, जो कि हेलोजन में ही मिलती है। सिर्फ आपको प्रोजेक्टर वाइट में जलते हैं। और आप ये DRL जो देख रहे हैं, ये आपके इंडिकेटर भी हैं और आपके DRL भी हैं, दोनों काम एक ही करते हैं। ऐसे कुछ आपकी ग्रिल आती है या एकदम टाटा हैरियर से। टाटा हैरियर और ये सामने से एकदम सेम दिखती है, बस इसमें ग्रिल का फ़र्क है। क्योंकि आप ग्रिल देख सकते हैं, इसमें कुछ इस तरह क्रोम आता है और ये अंदर जगह है ताकि हवा जा सके। यहाँ आपको बीच में टाटा का लोगो मिलता है। बाकी आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ आपको बम्फर इस तरह का मिलता है। स्पोर्टी लुक आती है, काफ़ी मस्कुलर दिखती है गाड़ी। ये इसकी कुछ फ्रंट की लुक है। तो ऐसी कुछ आती है इसकी फ्रंट लुक। बात करते हैं इसकी साइड प्रोफाइलिंग की। आपकी साइड से कुछ गाड़ी ऐसे दिखती है। इसमें आप देख सकते हैं आपको अलॉय व्हील कुछ इस टाइप के दिखते हैं, जिनका साइज़ आपको R18 मिलता है। ये देख सकते हैं आप 235/60 R18 इंचेस के आपको अलॉय मिलते हैं, जिसमें आपको टाटा की ब्रांडिंग मिलती है साथ में। ये इसके कुछ अलॉय व्हील इस तरह के दिखते हैं। बात करते हैं इसके ORVM। तो ORVM पे इसके आपके इंडिकेटर मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और फ्रंट से कुछ ऐसे दिखते हैं। कीलेस एंट्री के साथ आती है आपकी टाटा सफारी। ऊपर देख सकते हैं रूफ रेल्स आपको कुछ इस टाइप मिलती है। इस बार इसकी पूरी रूफ रेल्स को चेंज कर दिया गया है। यहाँ आपको सफारी की बैजिंग भी मिलती है, जो कि देख सकते हैं। इस बार इसकी रूफ रेल है सारी गाड़ियों से अलग है, जो कि इसको काफ़ी अलग लुक देती है। जो इसका ये यूनिट है, ये यूनिट इसको अलग करता है, तब ये थोड़ा हैरियर से अलग दिखती है, वरना ये फ्रंट से तो एकदम हैरियर दिखती है। इसमें आपको यहाँ पर पियानो लुक देता है और यहाँ क्रोम पे लुक आता है। ये ऐसी कुछ साइड प्रोफाइलिंग। वीडियो कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए चलते हैं बैक में। बैक की लुक इस तरह की आती है इसकी। आपके यहाँ टाटा की बैजिंग मिलेगी, नीचे आपकी सफारी स्पेस देके लिखा हुआ है। टेल लाइट की बात करते हैं, टेल लाइट इसी कुछ इस टाइप की आती है, जो कि आपकी पूरी LED पे आती है। ये आपकी पूरी रेड पे जलती है और ये आपके यहाँ इंडिकेटर मिल जाते हैं। नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं और यहाँ आपको डबल एग्जॉस्ट मिलते हैं, लेकिन है एक ही। जो आप देख सकते हैं यहाँ डबल मिलते हैं, वो है एक ही। दो सेंसर मिलते हैं इसमें, दो पार्किंग सेंसर। पीछे आपको वाइपर मिलता है डिफॉगर के साथ, देख सकते हैं। ऊपर आपको स्टॉप लाइट और ऊपर साफिन अल्टीना मिलता है। यह है टाटा सफारी कुछ बैक लुक। ऐसी कुछ दिखती है आपकी साइड से। बात करते हैं इसके इंटीरियर की। कीलेस एंट्री के साथ आती है, जो कि आपकी इंटीरियर आपका कुछ इस टाइप का आता है, जो कि डबल टोन का है आपका। ये देख सकते हैं आप, ये काफ़ी प्रीमियम फील देता है। इसका टच जो है काफ़ी सॉफ्ट है और ये आपका पकड़ने के लिए ये आपको क्रोम पे आता है पूरा। चार पावर विंडो के बटन और आपके ORVM के यहाँ पास कंट्रोल मिलते हैं, ये आप देख सकते हैं। कुछ ऐसा इसका डोर है आपका। और ये इसकी सीट आती है, जो कि आप इसको पूरा इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं।
पूरा इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, और आपके ओआरवीएम भी पूरा इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल है। ऐसी कुछ आपकी सफारी है। इसके आप सीट्स देख सकते हैं कैसी आती है सीट, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है सीट्स की। आइए चलते हैं इसके इंटीरियर में। इसका इंटीरियर कुछ इस टाइप का आता है, आप देख सकते हैं। इसमें आपको जो स्क्रीन मिलती है वो भी काफ़ी बड़ी है, और आपको यहाँ पास कंट्रोल्स मिलते हैं, साथ में आपको यहाँ पास नॉब वगैरह मिलते हैं जो कि आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आपका एसी वगैरह पूरा ऑटोमेटिक आता है, जो कि आप देख सकते हैं पूरा ऑटो भी लिखा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं आपको एसी वेंट कुछ इस टाइप की मिलते हैं। यहाँ आपको दो एसी वेंट मिलते हैं, एक एसी वेंट आपको यहाँ मिलता है। ग्लव बॉक्स की बात करते हैं तो इसका ग्लव बॉक्स ऐसा आता है, जो कि कूल्ड आता है स्पेसिंग के साथ। यहाँ आपको थोड़ी बहुत जगह मिलती है स्पेसिंग कुछ सामान रखने के लिए। बाकी आपका स्टेयरिंग टाटा का कुछ इस टाइप का आता है, बीच में आपको टाटा का लोगो मिलता है, साइड में आप देख सकते हैं बटन्स वगैरह हैं। इसमें आपको पूरा ये क्रूज़ कंट्रोल वगैरह सब मिलता है, बहुत सारे फीचर हैं इसमें। आप इसमें इसका स्पीडोमीटर भी काफ़ी अलग है। अभी गाड़ी यहाँ शोरूम पे खड़ी तो डिस्चार्ज है, इस वजह से मैं आपको स्पीडोमीटर पूरा लुक नहीं दिखा सकता। मुझे पॉसिबल हो सके तो मैं यहाँ पास फ़ोटो आपको डिस्प्ले करा दूँगा, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी मैं आपको ऐसा दिखा सकता हूँ, कुछ ऐसा दिख रहा है अभी। यहाँ आप इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन देख सकते हैं, ये रही आपकी। नीचे बात करते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें इस टाइप के कुछ कंट्रोल दिए हैं, जो आप देख सकते हैं रेन वगैरह के लिए और ट्रैक्शन वगैरह के लिए कंट्रोल दिए हैं, हील असिस्ट वगैरह। और यहाँ भी काफ़ी कंट्रोल्स दिए गए हैं जो कि काफ़ी प्रीमियम फील दे रहे हैं। बात करते हैं यहाँ, देखिए आप ऑटो होल्ड का मिलता है, और आपको पावर किंग का यहाँ आपको बटन भी मिलता है। ये आपका इस गियर नॉब है कुछ, जो कि 6 स्पीड है। आपको इसको ये बटन दबा के आपको ऊपर करके रिवर्स लगता है, ऐसे रिवर्स नहीं लगता, बटन दबा के लगता है। तो ऐसी कुछ है इसकी डैशबोर्ड। ऊपर देख सकते हैं आप, यहाँ पास आपको पूरा ब्लूलिंग के साथ मिलता है ये। और ऊपर देखिए यहाँ आपको माइक मिलता है, प्लस आपको यहाँ पास लाइट मिलती है जो कि अभी जल नहीं सकती। और इसमें आपको पूरी पैनोरामिक सनरूफ आती है जो कि पूरा फुल ओपन हो जाती है। वैनिटी की बात करते हैं, वैनिटी इसका काफ़ी बड़ा है, और कोई मिरर नहीं दिख रहा है। इस साइड आपको मिरर प्रोवाइड कर रही है कंपनी, आपको इसको खोलना पड़ेगा। ऐसी कुछ है इसकी इंटीरियर की लुक। देख सकते हैं यहाँ पास आपको कुछ स्पेसिंग भी नहीं मिलती है, यहाँ पास भी आपको स्पेसिंग मिलती है। साथ में यहाँ आप देख सकते हैं आपको सॉकेट मिलते हैं चार्जिंग वगैरह के। ये आपका आर्मरेस्ट, आर्मरेस्ट में आपको यहाँ पास आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, साथ में 2 USB के पोर्ट मिलते हैं। और आर्मरेस्ट भी काफ़ी प्रीमियम है, देख सकते हैं क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। आइए बात करते हैं इसके रियर की स्पेसिंग की। रियर का डोर कुछ इस टाइप का आता है, आपको इसमें JBL के स्पीकर मिलते हैं। आपको जैसा फ्रंट डोर मिलता है सेम वैसे ही आपको बैक डोर मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ ग्रैब इसको पकड़ के आप खोलेंगे और ये क्रोम पे आपको मिलता है। पावर विंडो बटन, नीचे स्पेसिंग, नीचे भी आपको स्पीकर मिलता है। यहाँ आपके ट्यूटर की प्लेसमेंट है, नीचे आपके स्पीकर्स हैं। ऐसे कुछ इसके रियर लुक है। रियर में आपको यहाँ पास भी आर्मरेस्ट मिलता है, ये देख सकते हैं आप। ये सीट नीचे गिरी हुई है, वहाँ से आपको अंदर एंट्री लेने के लिए थर्ड रो पे जाने के लिए। बात करते हैं रियर की स्पेसिंग की, तो रियर की स्पेसिंग कुछ इस टाइप की आती है। इसमें लेगरूम काफ़ी अच्छा है, आगे वाली सीट मेरे हिसाब से एडजस्ट है, 5'10" की हाइट है। ऊपर हेडरूम तो काफ़ी अच्छा है, SUV है तो अच्छा हो गई। और ये सीट नीचे है इसलिए ये और ऊपर भी जाएगी, ताकि आप पीछे जा सकें उधर से। ये आपकी थर्ड रो की लुक है। ज़्यादातर गाड़ी में आपके यहाँ पास एसी वेंट होते हैं, इसमें कुछ अलग ही है। यहाँ पास आप देख सकते हैं, यहाँ आपको 2 AC वेंट मिलते हैं, पीछे थर्ड रो में भी आपको AC प्रोवाइड होते हैं। रियर की स्पेसिंग काफ़ी अच्छी है, जो कि सेकंड रो है आपकी। पीछे आपको कुछ इस तरीके का लुक आता है, देख सकते हैं। इसमें आपको चार्जिंग वगैरह के भी 2 USB पोर्ट मिलते हैं, नीचे आपको कुछ जगह मिलती है। उधर आपको फैन स्पीड कंट्रोल करने के ऑप्शन मिलते हैं थर्ड रो में। तो ये है आपकी कुछ टाटा सफारी की लुक। आइए थर्ड रो मैं आपको दिखा देता हूँ। थर्ड रो में जाने के लिए ये सीट आपकी पूरी पीछे हो जाती है, और यहाँ आपकी थर्ड रो है। बात करते हैं इसकी बूट स्पेस की, तो बूट स्पेस इसमें बिल्कुल नहीं बचता अगर आप दोनों सीट को ऊपर कर लेते हैं।
अगर आप इन दोनों सीट के नीचे कर लेते तो आपको बूट स्पेस बहुत ज़्यादा मिल जाता है, जो कि आपके 470 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है इसमें। ये आप देख रहे हैं एग्जिट प्लस मॉडल, इसमें जो आपको इंजन मिलता है 2000 सीसी का इंजन है और आपका 170 bhp की पावर निकालता है। ये आपकी डीजल में आती है, इसमें आपके पेट्रोल वेरिएंट नहीं आता। ये आप एग्जिट प्लस देख रहे हैं जो कि टॉप वेरिएंट है। बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो इसका आपका ऑन रोड प्राइस है 24 लाख, बाकी इंश्योरेंस वगैरह लगा के आप देख सकते हैं कितनी आपकी पड़ेगी। ऑन रोड प्राइस इसका 24 लाख है। तो ये रही आपकी कुछ टाटा सफारी की लुक, तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।